हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और लैब टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी भी दोस्त के जाते हैं, वहां पे कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उससे किस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहां पे जाएंगे पेशेंट के पास, मरीज के पास, और उनसे उनको तसल्ली देंगे। तो यहां पे दो बात हमने आती है कि पेशेंट से किस तरह से बात करना चाहिए और किस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि पेशेंट से किस तरह से बात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वहाँ पेशेंट के पास पहुँचते हैं और ये गलती कर जाते हैं। पेशेंट जाते ही बोलते हैं, बेचारा कितना दुबला हो गया है, कितने दुबले हो गए हो, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, फला फला इस बीमारी से मर गया था। ये सब बातें बिल्कुल पेशेंट के सामने नहीं करनी चाहिए और पेशेंट को जितना हो सके उतना तसल्ली देना चाहिए। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ये बीमारी जो आपको हो गई है इससे तुम बीमार हो गए, इसकी वजह से तुम्हारे घर वाले भी परेशान हैं, ये वो दुनिया भर की बातें बहुत सोच समझ कर पेशेंट के सामने बात करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेशेंट से किस तरह से बात करनी चाहिए। वहाँ पे जाएं, पेशेंट से हाल खबर लें, थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा के पेशेंट से बात करें और उनको बोलें कि तो आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं डॉक्टर से बात किया हूँ आपके, जो आपका इलाज करते हैं, बोले जल्दी से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। अब बिल्कुल छोटी सी बीमारी है, बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन है, और यहाँ पे उनको ये भी बताएं कि इससे भी बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़ी बड़ी बीमारी हैं जो उस लोग को बीमारी हो जाती है, आपको तो बिल्कुल छोटी सी बीमारी है। ये भी इनको बताएं कि जो है तो ये जो आपको बीमारी हुई है, मेरे दोस्त को, मेरे रिश्तेदार को हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, इस तरह से पेशेंट से बात करें और पेशेंट से ये भी बात करें कि आप बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ऑल लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।